पण आता ही चर्चा कुठल्या संघाच्या पक्षात जाते ती आपण पाहणार आहोत. आता गोलंदाजी मार्कवर कोण येतोय ते पाहूया. शेवटच्या षटकासाठी बॉलर येणार आहेत लवीश येत आहेत. लवीश आपल्या संघाचा हातभार देतील का. एका बाजूने जर नितीन माटुंगे आणि रजत मुंडे यांचा खेळ पाहिला तर आक्रमक शैलीसाठी ओळखले जातात. पण आता लवीशचा गोलंदाजीचा स्तर काय सांगतो त्यावर अवलंबून आहे नॉर्थ हिमालयन टायगर. 6 चेंडू 14 ची गरज, 6 बॉल 14 रन्स रिक्वायर टू विन. आता काळजाची धडधड या ठिकाणी वाढू लागलेली आहे. या ठिकाणी प्रत्येक जण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक मिनिट आता याची देही, याची डोळा पाहताना तो ट्विस्ट अनुभवण्यासाठी तयार आलाय. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है और दिल की धड़कने बहुत तेज होती भी. क्या ये नाखून चबाने वाला मैच होगा वो देखना बहुत. रजत मुंडे स्ट्राइक रेन पर, एक पर बल्लेबाजी कर रहे. नितिन माटुंगे ने 1 रन बनाया, 3 गेंदों का सामना किया है. ऑनसाइड पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉलिंग पर खिलाड़ी तैनात है. पहली गेंद पर सिंगल लिया गया, दूसरे के बारे में सोच रहा है. यह खतरा है, बिल्कुल खतरा है. तालियां बजने वाली है. मैदान के अंदर चल रहा है घमासान. हर पड़ाव को एक बार भी जीतने के लिए खिलाड़ी लगा रहे जी जान. टीवी रखिए ऑन, गेम इज ऑन, गेम ऑन है क्या. एक बार फिर मुकाबला, शानदार खेल मैदान के अंदर. और बल्लेबाज नितिन धीरे धीरे मैदान के बाहर आ रहे हैं. क्या एक बार फिर यह माहौल बन गया है. शानदार खेल मैदान के अंदर. आला तर पुन्हा एकदा इराकी वॉरियर्सचा आत्मविश्वासात उडाणार आहे. पण शेवटच्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय. जी आवश्यकता होती संघाची लवीशच्या वतीनं, पहिला चेंडू चांगल्या दर्जाचा हाताळला गेला. मोठ्या फटक्याचा विचार फलंदाजाचा होता, पण तो विचार फक्त विचार राहिलेला आहे. इक्वेशन आता बदलते आहे. धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 31 धावा. या ठिकाणी धाव पूर्ण झाले की नाही, पहिली धाव पूर्ण झाली की नाही, आपण पॉपी क्रीजमध्ये बॅट ब्रश केले की नाही ते चेक करतोय. और क्या एक बार फिर ये कमाल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है. दोबारा मैच शुरू हो रहा है, मुकाबला शुरू हो रहा है. पहली गेंद पर विकेट, अपनी बॉलिंग पैड पर लवीश तैयार. इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस गेंद, लेकिन बॉलिंग पर खिलाड़ी तैनात है. ओहो, 1 रन मुकाबला किया, यह खतरा है. और 2 रन मुकम्मल किए गए. खतरा बिल्कुल था, लेकिन जोखिम लेना भी बहुत जरूरी, क्योंकि एक तरफ बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक रेन की तरफ रहना चाह रहे हैं. ओहो हो, क्या खेल चल रहा है, क्या खेल चल रहा है. वेल वेल वेल, क्या चल रहा है खेल. और एक जबरदस्त मुकाबला. गेंद को अगर रोकते, एक बार फिर फील्ड करते तो बिल्कुल बात बनती. आंकड़े बदल रहे, खेल बदल रहा है, क्रिकेट का खेल बदल रहा है मनीष. मौसम बदला है. चांगली ऑन ड्राइव होती, चांगला स्टॉप होता, पण थ्रो बॅटिंग एंडला केला, पण तो गॅदर नाही झाला. बघा, जर बॉल गॅदर झाला असता तर फलंदाजाला परतावं लागलं असतं. पण त्या ठिकाणी एक धाव अजून मिळालेली आहे इराकी वॉरियर्सला. 2 धावांची वाढ होते. धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते झालेली आहे 33 धावा. जिंकण्यासाठी 11 धावांची गरज आहे. 11 रन्स स्टील रिक्वायर टू विन. साध्या प्रयत्नांना दुनिया विचारत नाहीये. तुमचे प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये जिंकण्याचेच असायला हवे, आणि तेच प्रयत्न दोन्ही संघांचे पाहायला मिळत आहेत. शेवटच्या टप्प्यापर्यंत झुंज देण्याची तयारी या दोन्ही संघातील फलंदाजांची, गोलंदाजांची आणि क्षेत्ररक्षकाची पाहायला मिळाले. इक्वेशन सांगते 4 चेंडू 11 ची गरज, 4 चेंडू 11 ची गरज. बॉलिंग मार्क बॉलर तयार. शर्यतीत एकटा धावून जिंकण्याचा काही अर्थ नाहीये. प्रतिद्वंद्वी असतील तर जिंकण्याची मजा येते. प्रतिद्वंद्वी दोनही स्ट्रॉंग आहेत. बॉलर तयार. लॉपुलटो असा ठिकाणी ऑन साईडला स्वीप करायचा प्रयत्न सुरू झाला. तर बॅटचा पेस मिडविकेटला क्लोज केला. दरम्यान एक सिंगल मिळाली, एका धावीची वाढ झाली. एका धावाचे वळण धावसंख्या पोहोचते 34 वर. मैदान के अंदर संघर्ष चल रहा है. 3 गेंदों का खेल, 10 रनों की जरूरत है. दर्शक देखिए काफी संख्या में मौजूद है, काफी संख्या में. दादोजी कंडे स्टेडियम पर क्या माहौल बन गया है. जो लोग बिल्कुल बैठे हुए थे वो खड़े हो चुके हैं. रोंगटे खड़े करने वाला यह मुकाबला अब धमाका होना. एक बार फिर बताते हैं मैदान के बाहर, मैदान के अंदर, क्योंकि एक बार भी देखे सामने घना अंधेरा है. पहाड़ को चीर के रास्ता बनाना है मुश्किल है, लेकिन नामों के नहीं है. हम वादे नहीं, इरादे लेके आए हैं. इलाका किसी का भी हो, धमाका हमारा होने वाला है. क्या जबरदस्त है यहाँ क्रिकेट का खेल. 3 गेंदें 10 रनों की जरूरत है. संघर्ष मैदान के अंदर चल रहा है. पंकज यादव इस वक्त साइकिल रेन पर, 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर. और आंकड़े बदल गए हैं टेनिस क्रिकेट .in द्वारा. यह प्रतियोगिता आप देख रहे हैं और 56,000 दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए लाइव.
57 आंकड़े बढ़ने वाले हैं, 50 से हम 57 की तरफ पहुंच चुके हैं, 3 गेंदे शेष, 10 रनों की जरूरत है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन द्वारा मनीष 57,000 दर्शक देख रहे हैं। दादोजी कुंड स्टेडियम पर बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं दर्शकों को विनती कर रहा हूं, ये मुकाबला आपको अच्छा लगा है तो जोरदार तालियों की आवाज आनी चाहिए, जोरदार तालियों की आवाज। 3 गेंदे 10 रनों की जरूरत है, 34 5 विकेट के नुकसान पर 44 रनों का लक्ष्य। मोहम्मद शमी खुद तालियां बजा रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है। शमी साहब थैंक यू वेरी मच। ऑफ टाइम के बाहर गेंद को थोड़ा सा खेलना चाहते थे, कमर क्षेत्र में गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं आई है, तो आपके पास अभी 2 गेंदे हैं, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। ओहो क्या संघर्ष है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हुई सीने में। एक कांटे की टक्कर नाखून चबाने वाला मैच मैदान के अंदर चल रहा है। 2 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज आहे। थैंक यू आणि ठाणेकर आपल्यासाठी एक खूप मोठी मेजवानी आहे, एक खूप मोठं सरप्राईज आहे। सो मॅच झाल्यानंतर मी रिक्वेस्ट करेन कोणीही स्टेडियमच्या बाहेर नाही जायचंय। हंबल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, कोई भी स्टेडियम के बाहर नहीं जाएगा। मॅच खतम होने के बाद आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राईज है। 2 चेंडू सर्व ठाणेकरांनो ऐकायला येतंय का? मजा आली आहे ना आपल्याला, मजाकी आहे ना? मॅच संपल्यानंतर पूर्ण बक्षीस समारंभ होईपर्यंत थांबायचं आहे आपल्याला। मॅच संपल्यानंतर मोबाईलचे फ्लॅश लॉट ऑन करायचे, ऐका माझा पूर्ण। आप लोगों के मोबाईल के फ्लॅश लाईट ऑन करना। हवा में गैर हवाई फायर, परिस्थिती खंबीर, त्या ठिकाणी आम्ही खंबीर, येतोय हा क्वालिटी षटकार योग्य दवळी। व्हाट अ फॅन्टास्टिक मॅच। ओहो क्या कमाल का मुकाबला, अच्छे रिप्ले देखना बहुत जरूरी है। आप सब लोग खड़े होने वाले हैं, आप सब लोग खड़े होने वाले हैं। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लाइक वाओ। मैच में जान डालने वाला यह छक्का था, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। वाव मोमेंट तुम्हाला पाहायला मिळतोय आणि काय दमदार षटकार खेचलेला आहे रजत मुंडेने। आता इक्वेशन बदलले, धावसंख्या पाहायला मिळते झालेली आहे 41 धावा, 3 धावांची गरज आहे। क्रिकेट हा संघर्षाचा खेळ आहे, जो घाबरणार तो संपणार आणि जो जिद्दीने लढणार तोच जिंकणार। जितना बड़ा संघर्ष होगा। सर्व प्लेयर्स इराकी प्लीज ग्राउंड पे जाओ मत, तुम मुंब्रा वाले याद रखना। तैयार खिलाड़ी रजत मुंडे है, क्या पैसा वसूल मात्रा। नजीबुल्ला ट्रॉफी 2024 की बात करें, इराकी वॉरियर्स ग्लोरियस स्पोर्ट ने यह मुकाबला अपने नाम पर कर दिया है। सेलिब्रेशन करने का समय आ गया है, सेलिब्रेशन मैदान के अंदर हो रहा है। सर्वानी फ्लैश लाइट ऑन करा, सर्वानी फ्लैश लाइट ऑन करावी। ठाणेकरांसाठी टीम नजीबुल्ला मार्फत एक 3 मिनिटाची मेजवानी है। 3 मिनट के लिए आपके लिए एक बख्शीश है। क्या बात है।
बहुत बड़ा धमाका।